हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि कैसे थोर पावर और उसका सूट मुकम्मल पावर के साथ इस्तेमाल हो रहा था, तो वही अभी इंस्टॉलेशन स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है, और इससे आप अपनी GTA 5 के अंदर थोर मोड को इंस्टॉल कर सकेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें थोर की जो सूट है सूट्स हैं वो वाली फाइल आपके पास शो होगी। तो आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आपने यहां से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप दूसरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की फाइल शो होगी। ये वाली फाइल जो है ये उसका थोर का जो पावर्स हैं वो वाली फाइल है, तो इसको भी आपने डाउनलोड कर देना है। ये तकरीबन 44 MB की फाइल होगी, तो इसको भी आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इनको डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ओपन IV ओपन कर लेना है। ओपन आईवी ओपन करने के बाद जो है हमारे पास ये दो फाइलें आप देख सकते हैं, मैंने सामने ही रखी हुई हैं, और ये ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले अपना हम एडिट मोड ऑन करेंगे। एडिट मोड ऑन करने के बाद आपने जो ये सूट वाली फाइल है इसको ओपन कर लेना है, और एक साइड पे अपना ओपन आईवी ओपन कर रखना है। उसके बाद एक मिनट में ये अच्छे से सेट कर लूँ फिलहाल, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो मेरे पास ये ओपन हो चुका है। तो आपने दोबारा मोड्स में जाना है। मोड्स में जाने के बाद अपडेट्स में, अपडेट में डालने के बाद 64 में, और DLC पैक्स में, फिर एडोन पैड्स में, फिर DLC RPF में, फिर जाना है, और यहाँ पर आने के बाद ये सारी की सारी फाइल जो है यहाँ पर पेस्ट कर देनी है इसके अंदर। एक और मैं आपको बात बताते चलूँ कि इसमें बहुत सारे सूट दिए गए हैं, तो आपने ये सारे सूट भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि आपने कैसे ये सूट, मतलब थोर के 3-4 अलग अलग सूट आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी फाइल आप कॉपी करके कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं ओपन IV में, ये मेरे पास थोर की एक सूट ये है, एक ये है, और तकरीबन ये तीन सूट मेरे पास थोर के आ चुके हैं। तो सिंपली मतलब आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर ये सूट्स वाला काम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से आपने दूसरी जो फाइल आपने डाउनलोड की है पावर्स वाली, उसको ओपन कर लेना। उसको ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ये जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सॉरी, यहाँ से मैं आपको इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सॉरी, मैंने आगे एक्सट्रैक्ट नहीं किया था। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ से सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एक एक फाइल को पकड़ के। एक मिनट, या दूसरी फाइल हो गई ये वाली, मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लूँ ताकि कोई मसला परेशानी ना हो बाद में। ये भी हो चुकी है। तो यहाँ से सिंपली थोर बाय जूलियो NIBOIV ये वाली फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अपनी ओपन IV के अंदर। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है अपने मोड्स के अंदर और GTA 5 के अंदर। मतलब जो GTA 5 के मेन फोल्डर में का लास्ट ऑप्शन होगा, मतलब अगर ये यहाँ पर मोड्स में इंस्टॉल नहीं हो सकती है तो तभी आपने गेम के फोल्डर में इंस्टॉल करनी है, नहीं तो आपने मोड्स के फोल्डर में हर सारी फाइलें वहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल करनी है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, इसलिए दोबारा दोबारा मैं नहीं करूँगा। यहाँ से सिंपली आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी फाइल्स जो हैं OIV वाली 4 फाइलें हैं, 4 के 4 फाइलें यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से हमारा ओपन IV वाला काम जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं समझा जो है सूट ऐड करते हैं वो यहाँ से मैं आपको सूट भी ऐड करवा देता हूँ। तो अपने अपने आपने जाना है अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में। वहाँ पर जाने के बाद जो आपने जो ये एडोन पैड्स एडिटर है इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद जो है हमारे पास ओपन IV के अंदर जो जो फाइल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोर वाली जो फाइलें हैं ये 3 फाइलें मेरे पास आई हुई हैं। तो ये यहाँ से सिंपली मैं रिनेम करूँगा। रिनेम करने के बाद Ctrl+C दबा के, या मतलब लेफ़्ट दबा के कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये पैड्स के ऑप्शन में आना है, यहाँ पर न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद यहाँ ऊपर पेस्ट करना है,
पेस्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर मेल रखना है और यहाँ पर ये सारा फॉल्स ही रखना है और ऐड पैड्स कर देना है, उसके बाद रीबिल्ड कर देना है। और ये सारे तीन के तीन सूट आपने का यहाँ से इसी तरह बिल्कुल ऐसे तीन फाइलें बना देनी है यहाँ पर, और इनको दो ऑलरेडी कर रखी हैं, एक इसलिए छोड़ी थी कि वीडियो में तो बना सकूं ये गेम में आने के बाद अगर आपने आप करना चाहते हैं तो करना है, कर सकते प्रेस हैं। करने के बाद अपना जो उसके भी बाद हमारे आपने इसके जो अंदर GDFive के अंदर डाउनलोड किया, ये इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन का थोर की काम ये वाली खत्म स्किन हो है। चुका है, आप अबे यार ये स्पॉन गेम ऊपर करके चढ़ गया दिखाता है, हूँ GDFive सबर के साइड पे अंदर। जाकर आपको मैं समझाता हूँ। ये ऊपर सर सारी गाड़ियाँ ऊपर आ रही हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा एफ एल प्रेस करके अपना जो है आप सूट, मैंने बताया था अभी तीन सूट है, आप जो भी सूट सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ये वाला सूट है, एक और सूट भी है, मतलब आप इनको जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इसकी पावर ऐड नहीं की, पावर ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना होगा और उसको बाद ये मतलब ओपन हो जाएगी इसकी एडोन पैड की जो पावर है वो आई वी ओपन हो जाएगा और नीचे जो मतलब शो हो रहा था उसकी सारी पावर लगा लेनी है। थोर की पावर अब आ चुकी है, आप देख सकते हैं कितना ईजीली वर्क कर रहा है और ऐसे ही मतलब इसकी सारी पावर बंदा यूज़ कर सकता है। और भी इसका ई दबाएँ, ई प्रेस करने से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो भी आप इसके अंदर स्किन लगाना चाहते हैं और जो सॉरी जो भी आप इसकी पावर ऐड करना चाहते हैं। अब हमारी थोर पावर के साथ बिल्कुल आ चुका है यहाँ पर। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। ये हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है।